हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू भूगोल कथा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड यूपी से कुछ वैकेंसीज की डिटेल्स लेकर के आई हूँ। बहुत ही टॉप स्कूल से वैकेंसी की डिटेल्स आ रही है दोस्तों। प्रीवियस वीडियो में भी मैं बहुत सारा वैकेंसीज कवर कर चुकी हूँ, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते ये सारा वैकेंसीज की डिटेल्स बहुत ही शॉर्ट वे में चेक कर लेते हैं। दोस्तों, फर्स्ट जो वैकेंसी की डिटेल्स आई हुई है, श्यामा प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग बीएड कॉलेज से। इसका लोकेशन हो जाएगा राजा राममोहन रॉय रोड। अर्जेंटली रिक्वायर्स असिस्टेंट प्रोफेसर्स इन वन पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन फिजिकल साइंस। ये सब के लिए रिकमेंड है दोस्तों। कोलकाता की कॉलेज है, बीएड कॉलेज में पढ़ाने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर्स का रिकमेंड है फ्रॉम वेस्ट बंगाल। क्वालिफिकेशन चाहिए है मास्टर डिग्री में 55%, एमएड में 55% एंड नेट और सेट आप लोगों का क्लियर होनी चाहिए। और पीएचडी होल्डर अगर आप लोग हैं तो अप्लाई कर सकते हो। सीवी आप लोग सेंड कर सकते हो विथ कवर लेटर SIETRECRUITMENT@gmail.com पे विदिन 5 डेज बोला गया। आज की एडवर्टाइजमेंट है दोस्तों, जल्द से जल्द आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। एंड मेल के सब्जेक्ट में अपना नाम एंड पोस्ट का नाम ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है। हर एक वैकेंसीज के लिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ। नेक्स्ट जो वैकेंसी है दोस्तों, PM3 केंद्रीय विद्यालय पानागढ़ से है। और यहाँ पे दोस्तों 16 अगस्त को इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा PM3 केंद्रीय विद्यालय पानागढ़ में सत्र 2024-25 के लिए रिक्त पदों पर पूर्णतः अंशकालिक संविदा आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति एवं पैनल तैयार करने हेतु दिनांक 16 अगस्त 2024 को PGT मैथ्स, केमिस्ट्री एंड TGT मैथ्स एंड PRT के लिए इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा एंड काउंसिलर के लिए भी किया जाएगा। दोस्तों, सुबह 10 बजे ही यहाँ पे इंटरव्यू शुरू हो जाएगी। 8 बजे के अंदर आप लोगों को पहुँच जाना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। फर्दर डिटेल्स के लिए आप लोग panagarh.kbs.ac.in पर जा सकते हो। वहाँ से एप्लीकेशन प्रोफॉर्मा डाउनलोड करके उसको प्रिंट करा करके आप लोगों को फिल करके ले जाना पड़ेगा विद ऑल ऑफ योर एजुकेशनल टेस्टिमोनियल्स, ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज एंड एक आधार कार्ड ज़रूर लेकर के जाइएगा एज ID प्रूफ, ठीक है। एंड दोस्तों, यहाँ पे अगर आप लोग काम कर पाओ एटलीस्ट 6 मंथ्स, तो यहाँ पे वैल्यूएबल जो सर्टिफिकेट होता है दोस्तों, ये आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट देता है परमानेंट जॉब मिलने के लिए, या तो फिर कोई भी प्राइवेट स्कूल्स में, नेशनल इंटरनेशनल प्राइवेट स्कूल्स में भी जॉब करने के लिए बहुत ही वैल्यूएबल होता है वो सर्टिफिकेट दोस्तों। तो आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। PM3 केंद्रीय विद्यालय पानागढ़ की वैकेंसी है दोस्तों, ये पूर्व वर्धमान पश्चिम बंगाल की वैकेंसी है ये। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा से है। यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा 22 अगस्त 3 PM से शुरू होगी ये इंटरव्यू। डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री में CU टू सिलेक्ट अ JRF इन अ प्रोजेक्ट फंडेड बाय ACRB GOI अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रोफेसर अनिर्बन सिद्धांत of Department of Biochemistry। for details refer to www.calunif.ac.in। तो ये जो यहाँ पे वेबसाइट डिटेल्स दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करके आप लोग जा सकते हो फर्दर डिटेल्स के लिए। एंड यहाँ पे एक जूनियर रिसर्च फेलोशिप का एक सीट है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हो इस फील्ड में। नेक्स्ट जो वैकेंसी है दोस्तों, रेजिना बंगाली स्कूल, इसका अपडेट मैं ऑलरेडी आप लोगों को दे चुकी थी दोस्तों। 2 अगस्त को इसका पब्लिकेशन हुआ था न्यूज़पेपर पे। तो दोस्तों, यहाँ पे पहले ही जनवरी मंथ में 14 जनवरी 2024 कुछ वैकेंसीज निकली हुई थी। तो एक वैकेंसी डिलीट किया गया है दोस्तों, PGT हिस्ट्री के लिए। इसका लोकेशन हो जाएगा दोस्तों चित्तरंजन पार्क, न्यू दिल्ली। दिल्ली की वैकेंसी है, बट ये एक बंगाली मीडियम स्कूल है दोस्तों, फॉर बंगालीज और जिन लोग बंगाली मीडियम में पढ़ना चाहते हैं। तो दिल्ली की स्कूल है रेजिना बंगाली स्कूल। तो बहुत सारे लोग शायद अप्लाई कर चुके होंगे, तो अगर कर चुके होंगे दोस्तों, दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे PGT हिस्ट्री का जो पोस्ट था वो डिलीट किया गया है दोस्तों, और यहाँ पे ऐड किया गया है PGT का एक पोस्ट, एक एक करके पोस्ट फॉर पेंटिंग, म्यूज़िक, पॉलिटिकल साइंस, TGT इंग्लिश, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, हर एक फील्ड में एक एक करके वैकेंसीज ऐड किया गया है दोस्तों, ठीक है। वन आउट ऑफ 12 पोस्ट एडवर्टाइज फॉर असिस्टेंट टीचर्स इज़ रिजर्व फॉर PWBD। तो दोस्तों, यहाँ पे
आप लोगों को प्लेन पेपर में एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ बायोडाटा एंड ऑल टेस्टिमोनियल्स एड्रेस टू द मैनेजर रेजीना बंगाली स्कूल एम एंड पी। ये सारा जो डिटेल्स दिया गया है आप लोग नोट कर सकते हो। एनवेलप के ऊपर आप लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ये लिखना पड़ेगा दोस्तों। पहले तो आप लोगों को स्पीड पोस्ट ऊपर हेडिंग देना पड़ेगा, देन नीचे आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पे देना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। सेपरेट एप्लीकेशंस टू बी सबमिटेड फॉर ईच पोस्ट इफ एनी एप्लीकेंट इज डिजायरस टू अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट। एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए दोस्तों आप लोगों को अलग से एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। विद इन 24 अगस्त 2024 आप लोगों को अप्लाई करनी पड़ेगी, सबमिट करनी पड़ेगी सारा डिटेल्स। तो जल्द से जल्द स्पीड पोस्ट कर ले, ओनली रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट आप लोग कर सकते हो दोस्तों। एप्लीकेशन सबमिटेड बाय एनी अदर मोड एंड और इनकम्प्लीट और डिफेक्टिव एप्लीकेशन शैल बी समरीली रिजेक्टेड विदाउट एनी फर्दर कम्युनिकेशन। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एनी वैकेंसी मे बी कैंसल्ड एट द सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्कूल। ऑल द वैकेंसीज ऑफ द अर्लियर एंड प्रेजेंट एडवर्टाइजमेंट्स आर सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम ऑफ द रिट पिटीशन। ये सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। ऑल द वैकेंसीज आर सब्जेक्ट टू क्लियरेंस अप्रूवल टू बी इशूड बाई द डेट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ सिटी ऑफ दिल्ली स्टैंड्स डिलीटेड। तो दोस्तों ये एक ही पोस्ट जो है पीजीटी हिस्ट्री के लिए ये डिलीट किया हुआ है और पीजीटी एंड टीजीटी में कुछ सब्जेक्ट्स ऐड किया गया है दोस्तों। अगर इंटरेस्टेड रहो 24 अगस्त के अंदर ही आप लोग जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। नोट डाउन कर ले एड्रेस डिटेल्स। नेक्स्ट जो वैकेंसी आई हुई है दोस्तों शिववानी एमएसएस स्कूल से, इसका लोकेशन हो जाएगा पलम दाबरी रोड द्वारका यूपी। फीमेल टीचर्स का रिक्वायरमेंट है विद एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स एंड मिनिमम 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस। पीजीटी केमिस्ट्री नर्सरी टीचर फॉर एंटिटी ट्रेनिंग आप लोगों का होनी चाहिए इसके लिए दोस्तों। कोचेस जूडो फेंसिंग टेबल सॉकर ब्रश बैंड टीचर अकाउंटेंट ये सब के लिए रिक्वायरमेंट है। अकाउंटेंट में मेल कैंडिडेट को मांगा गया है विद मिनिमम 10 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड प्रोफिशिएंसी इन टैली। अप्लाई इमीडिएटली विद सीवी एंड फोटोग्राफ बाय पोस्ट और ईमेल। ईमेल करना आप लोगों के लिए इजियर होगा दोस्तों। shivani1981@gmail.com पे आप लोग सीवी के साथ साथ एक एप्लीकेशन लेटर और कवर लेटर सेंड कर दें, ज़रूर ज़रूर अटैच कीजिएगा एक एप्लीकेशन लेटर और कवर लेटर। एप्लीकेशन लेटर और कवर लेटर का बहुत ही इम्प्रेसिव वे में लिखा हुआ है दोस्तों, सिंपल फॉर्मेट भी है ये, मैं शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों को। एप्लीकेशन लेटर की प्लेलिस्ट में आप लोग चेक कर सकते हो। सीवी एंड फोटोग्राफ भी आप लोगों को अटैच करनी पड़ेगी अलोंग विद एप्लीकेशन लेटर और कवर लेटर, ठीक है। ईमेल आईडी नोट कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट वैकेंसी है दिल्ली पब्लिक स्कूल यूपी से है दोस्तों। ये बुलंदशहर यूपी की वैकेंसी है। मोबाइल नंबर दिया गया है यहाँ पे। पीजीटी केमिस्ट्री टीजीटी साइंस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बैकग्राउंड आप लोगों का होनी चाहिए। इंग्लिश टीजीटी इंग्लिश मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड होनी ही चाहिए तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो टीजीटी के लिए। पीआरटी साइंस हिंदी इंग्लिश मैथ्स कंप्यूटर साइंस सोशल स्टडीज़ पीईटी डांस वेस्टर्न म्यूजिक एंड आर्ट्स ये सब के लिए रिक्वायरमेंट है दोस्तों। नोट करने के लिए नोट कर लीजिएगा द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज। द कैंडिडेट मस्ट हैव रिक्विजिट क्वालिफिकेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कंप्यूटर सेवी एंड फ्लुएंट इन स्पोकन इंग्लिश। टीजीटी एंड पीआरटी कैंडिडेट शुड बी सीटेड और यूपीटेड क्वालिफाइड। आप लोगों को सीटेड और यूपीटेड क्वालिफाइड होनी चाहिए टीजीटी पेपर टू एंड टीजीटी के लिए पेपर टू एंड पीआरटी के लिए सीटेड पेपर वन क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। अकाउंटेंट और अकाउंट्स असिस्टेंट स्पेशल एजुकेटर जूनियर लाइब्रेरियन लाइब्रेरी अटेंडेंट लेबोरेटरी असिस्टेंट फिजिक्स एंड बायोलॉजी लैब रिसेप्शनिस्ट ये सब के लिए रिक्वायरमेंट है दोस्तों। www.dpsbulandshahr.com पे जाकर के आप लोग अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे बोला गया है पे एंड अलाउंसेज एज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ द 7th पे कमीशन एंड द डीपीएस सोसाइटी रूल्स। यहाँ पे बोला गया है 7th पे कमीशन के हिसाब से यहाँ पे आप लोगों को सैलरी दिया जाएगा। बट दोस्तों अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस कम है एंड आप लोग फ्रेशर्स हो तो आप लोगों को
1 to 2 years तक कंट्रेक्चुअली रखा जाता है एडहॉक बेसिस में, देन आप लोगों का परफॉर्मेंस देख करके ही आप लोगों को परमानेंसी दिया जाता है और कंफर्म किया जाता है आप लोगों का जॉब, तभी आप लोगों को सेवन पे कमीशन के हिसाब से सैलरी दिया जाता है। एंड द DPS सोसाइटी रूल्स यहाँ पे बोला गया है, अ हायर स्टार्ट मे बी कंसिडर्ड फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट्स, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में अप्लाई ओनली थ्रू द लिंक अवेलेबल ऑन द वैकेंसी टैब ऑफ द स्कूल वेबसाइट www.dpsbulandshahr.com। विदिन 14 डेज आप लोगों को अप्लाई करनी पड़ेगी दोस्तों। एकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू द आउटसेशन कैंडिडेट्स के लिए एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा, ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे PGT, TGT, PRT के लिए कोई भी एक्सपीरियंस मांगा नहीं किया है दोस्तों, बट अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस है तो ज़्यादा ऑब्वियसली ज़्यादा प्रेफरेंसेस आप लोगों को दिया जाएगा, सैलरी भी अच्छी दिया जाएगा दोस्तों। यहाँ पे सेवन पे कमीशंस के हिसाब से आफ्टर कंफर्मेशन और परमानेंसी ऑफ द जॉब, दिल्ली पब्लिक स्कूल बुलंदशहर UP की वैकेंसी है ये, ठीक है। नेक्स्ट जो वैकेंसी आई हुई है दिल्ली पब्लिक स्कूल निगाही से है दोस्तों, तो ये वैकेंसी की डिटेल्स आई हुई है सिंगरौली MP से, ठीक है। और यहाँ पे वैकेंसीज है दोस्तों PGT कॉमर्स अकाउंटेंसी एंड BST आप लोगों का होनी चाहिए, अकाउंटेंसी एंड SST में BST में रिक्वायरमेंट है, बायोलॉजी फिजिकल एजुकेशन कंप्यूटर साइंस PRT ऑल सब्जेक्ट्स, फीमेल कैंडिडेट्स विल बी प्रेफर्ड, LDC ये सब के लिए रिक्वायरमेंट है। फर्दर डिटेल्स के लिए एंड एप्लीकेशन फॉर्मेट के लिए आप लोग www.dpsnigahi.org पे जा सकते हो दोस्तों, ठीक है। हर एक दोस्तों ये शायद ECL का स्कूल है, कोल इंडिया लिमिटेड के अंडर पे है ये स्कूल, प्रोजेक्ट स्कूल है दोस्तों, यहाँ पे सैलरी अच्छी दिया जाता है। कभी कभी प्रोजेक्ट स्कूल में दोस्तों सैलरी कभी कभी कुछ महीने गैप भी हो जाता है, ये मैंने सुना है, आप लोगों को शेयर किया मैंने, ठीक है। तो सैलरी नेगोशिएट अच्छे से कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये दिल्ली पब्लिक स्कूल है और यहाँ पे सेवन पे और सिक्स पे कमीशन के हिसाब से ही सैलरी दिया जाता है। नेक्स्ट वैकेंसी ज्ञान निकेतन इंटरनेशनल स्कूल से है दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर UP से, मोबाइल नंबर दिया गया है यहाँ पे, नोट कर सकते हो। प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल और एकेडमिक कोऑर्डिनेटर का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है रेस्पेक्टिव वे में। सैलरी यहाँ पे आप लोगों को सेवन पे कमीशन के हिसाब से दिया जाएगा, अप्लाई विद इन 10 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट थ्रू ईमेल ओनली बोला गया है। ईमेल आईडी नोट कर लीजिए gnspatna@redmail.com। यहाँ पे आप लोग CV के साथ साथ एक छोटा सा कवर लेटर ज़रूर अटैच करके सेंड कर सकते हो, ठीक है। प्रिंसिपल के लिए रिकमेंड है, जिसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विद BEd होनी चाहिए, एक्सेलेंट कम्युनिकेशन इन इंग्लिश एक्सपीरियंस, 15 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस आप लोगों का होनी चाहिए, विद मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस इन CBSE एफिलेटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो CBSE स्कूल्स में ही आप लोगों का सैलरी होनी चाहिए, सॉरी एक्सपीरियंस होनी चाहिए दोस्तों बोला गया है। विदाउट एक्सपीरियंस प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल और एकेडमिक कोऑर्डिनेटर के लिए अप्लाई मत कीजिए दोस्तों, चाहे आप लोगों का अदर्स जो भी रेस्ट ऑफ द क्वालिफिकेशंस हो, फिर भी आप लोग विदाउट एक्सपीरियंस प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए अप्लाई मत कीजिएगा, ठीक है। कभी कभी एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छी हो और आप लोगों का एक्सपीरियंस सफिशियंट हो टीचिंग पोस्ट में, देन ही आप लोग प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कीजिएगा। जल्द से जल्द सेंड कर दे इस ईमेल आईडी पे gnspatna@redmail.com। हर एक एप्लीकेशन के लिए मैं कह रही हूँ आप लोगों को मेल की सब्जेक्ट में अपना नाम एंड पोस्ट का नाम ज़रूर मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट जो वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पे रिक्वायरमेंट है हिंदी लैंग्वेज टीचर्स का, फॉर द पोजिशंस ओपन फॉर करेंट एकेडमिक ईयर 2024-25 अप्लाई नाउ बोला गया है। यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हो careers.bv@svectschool.com पे आप लोग जाकर के सारा डिटेल्स चेक कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे शायद ये ऑफिशियल वेबसाइट का डिटेल्स नहीं है दोस्तों, आप लोग विद विशालय TN तमिलनाडु कोयम्बतूर में जाकर के गूगल सर्च दे करके डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पे मिडिल लेवल पे हिंदी लैंग्वेज टीचर्स का रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वैकेंसी है दोस्तों सिलिकॉन पब्लिक स्कूल से है, झारखंड रातू रोड, प्राइमरी टीचर्स का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। फ्रेशर्स ऑल्सो विल बी गिवन प्रेफरेंसेस, विजिट करने के लिए कहा गया है कैंपस विद ऑल ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स एंड कॉन्टैक्ट करने
कांटेक्ट भी कर सकते हो अगर ना जा सको तो। दोस्तों 9931687374 पे आप लोग कॉल कर सकते हो एंड फादर डिटेल्स पूछ सकते हो रिगार्डिंग सिलेक्शन प्रोसेस एंड सैलरी। ओके, सिलिकॉन पब्लिक स्कूल झारखंड की वैकेंसी है दोस्तों, रातू रोड झारखंड की वैकेंसी है ये। नेक्स्ट जो वैकेंसी है दोस्तों, रिक्वायर टीचर्स फॉर क्लासेस अप टू 10th फॉर इंग्लिश हिंदी एंड ऑल अदर सब्जेक्ट्स एट अ CBSE स्कूल बोला गया है। एक्सपीरियंस्ड और इंग्लिश बैकग्राउंड प्रेफरेबल बोला गया है। नॉन बीएड में अप्लाई बोला गया है दोस्तों। अगर आप लोगों का बीएड नहीं भी है फिर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो फॉर LBM पब्लिक स्कूल पांड्रा रांची। आप लोग देख सकते हो गूगल में, ये बहुत ही रिप्यूटेड एंड बढ़िया स्कूल है दोस्तों। 9835877775 पे कॉल कर सकते हो आप लोग। LBM पब्लिक स्कूल @gmail.com पे आप लोगों का CV एंड कवर लेटर सेंड कर सकते हो इस मेल आईडी पे, ठीक है। मेल के सब्जेक्ट में ज़रूर अपना नाम एंड पोस्ट का नाम मेंशन कीजिएगा। तो दोस्तों ऐसे ही कोई भी छोटी बड़ी टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसी की अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।